तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका स्नैपचैट का जो वॉइस फिल्टर है वो आपको शो नहीं हो रहा है, यानी कह सकते हो कि जो पहले शो होता था आपको वॉइस चेंजर, जब भी आप कोई भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते थे और उसमें आप अपनी वॉइस के साथ फिल्टर ऐड कर लेते थे और अपनी वॉइस को चेंज कर देते थे, तो लेकिन अब आपको वहाँ वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शो नहीं हो रहा है वहाँ पर अपना वॉइस चेंज का जो ऑप्शन होता है वो शो नहीं हो रहा है स्नैपचैट एप्लीकेशन में, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि भाई आपको कैसे फाइंड आउट करना है। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी से शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट पर कैसे बहुत आसान तरीके से अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो, कैसे आपको फ़िल्टर को यहाँ पे अप्लाई करना है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड बहुत से लोग सोच रहे हैं कि स्नैपचैट ने यहाँ पे अपना जो अपडेशन था, यानी कह सकते हो जो ऑप्शन था, वो हटा दिया है। वॉइस चेंजर जो ऑप्शन था वहाँ पे, वो फीचर था, वो स्नैपचैट ने रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड आप एकदम गलत सोच रहे हो, जबकि उसने और उसको अपडेट कर दिया है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो, यानी पुराना तरीका लोगों का जिस तरीके से वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने स्नैपचैट पर। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग करते क्या थे पहले कि यहाँ पे कोई भी एक वीडियो क्लिप को क्या करेंगे, पहले शूट कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम यहाँ पे शूट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक वीडियो शूट को क्या किया हुआ है, क्लिप को यहाँ पे क्या कर लिया है, शूट कर लिया है। लेकिन उस वीडियो क्लिप को अगर हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमारा वीडियो क्लिप है, हम इसको शूट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी हमको वॉइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी वॉइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम साउंड बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर भी कोई भी आपको वॉइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्लिक करे रहें, टैप करके रखें, कुछ भी करके रखें, यहाँ पर केवल वॉल्यूम बंद करने का और चालू होने का है। तो अब ऐसे में हम अपनी जो वॉइस को इसमें रिकॉर्ड किए हैं उसको चेंज कैसे करें, उस पर फ़िल्टर कैसे अप्लाई करें। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये तरीका एकदम गलत है, क्योंकि अब थोड़ा सा अपडेशन आ चुका है, इसलिए स्नैपचैट ने थोड़ा सा यहाँ पे फीचर को अपडेट कर दिया है। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको सही वे में यहाँ पे रिकॉर्ड करना है और कैसे आपको वॉइस चेंजर जो फिल्टर है उसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड क्या करना है, आपको दोबारा से क्या करना है, यहाँ पर अपने स्नैपचैट पर आ जाना है। जैसे आप दोबारा से आओगे उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक स्माइली फेस करके ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, स्माइली फेस करके ऑप्शन दिख रहा है आपको। सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप कर दोगे तो आपको यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आ रहा होगा, क्या, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे सिंपली आपको टैप कर देना है। जैसे आप एक्सप्लोर पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, क्या, वॉइस चेंजर। क्या सर्च कर लेना मेरे दोस्त, वॉइस चेंजर। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा, क्या, ऑल वॉइस इफेक्ट। सिंपली हम यहाँ पर टैप कर देंगे। तो फ्रेंड अब जैसे ही आप यहाँ पर टैप कर दोगे तो यहाँ पर चलिए जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं या फिर कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, जो हमको यहाँ पे कोई एक वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है, जो वॉइस आप मतलब जो है इफ़ेक्ट को आप इस्तेमाल करना चाहते हो, जो फ़िल्टर आप इस्तेमाल करना चाहते हो। सिंपली में क्या करना है, आपको पहले उस पर यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए भाई हम यहाँ पर कर लेते हैं लार्ज रूम पर, कहाँ पर क्लिक कर लेते हैं मेरे दोस्त, लार्ज रूम पर। अब क्या करेंगे, अब हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे, लार्ज रूम पर अब ले जाकर अपनी वॉइस को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक, ये रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे बताया था इस तरीके का। तो अब मैं अगर इस वीडियो को अगर प्ले करूँगा कोई भी, तो फ्रेंड उसको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपनी जो वॉइस है उसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको अब आगे की ओर प्रोसीड भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे,
कहीं भी आप अपनी वॉइस को अगर सेंड करना चाहो तो आप कर सकते हो नेक्स्ट करके, बहुत सिंपल वे में फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सिंपल वे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।